हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, ठीक से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त होंगे एकदम। तो चलिए, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के चैप्टर से, जिसका नाम है हमारा आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित, जब हम किसी चालक को आवेशित करते हैं तो आवेशित करने में हम कुछ कार्य करते हैं। जितना कार्य हम करते हैं यही कार्य किस में परिवर्तित हो जाता है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। कितना स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है इसको हम इसमें कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी चालक को आवेशित करने में किया गया संपूर्ण कार्य को ही आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख दें, चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। ठीक है, चालक को आवेशित करने में जितना हम कार्य करेंगे वो किस में बदल जाएगा? स्थितिज ऊर्जा के रूप में बदल जाएगा। अब मान लीजिए एक चालक है और उस चालक की धारिता सी है। आप जानते हो किसी की कैपेसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। माना किसी चालक की धारिता सी है, इसे हमने क्यू डैश आवेश दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे, माना किसी चालक की धारिता सी है, इसे क्यू डैश आवेश देने पर विभव बी डैश हो जाता है। तब विभव बी डैश हो जाता है, तब यहां पे हम देखेंगे तो जो हमारा वी डैश आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा हमारा क्यू अपॉन, अच्छा स्मॉल लिया है, क्यू अपॉन सी, क्यू डैश अपॉन सी, ये आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए हमने क्या कहा, अनंत से एक सूक्ष्म आवेश डी क्यू को किसी चालक तक लेकर के आते हैं। तो चालक तक लेके आने में कितना कार्य करना पड़ता है? तो हमने कहा डी डब्ल्यू, सूक्ष्म आवेश को, सूक्ष्म आवेश को कहाँ से लेके आ रहे हैं? अनंत को। कितना कार्य करना पड़ेगा? यहाँ लिख दे रहा हूँ, सूक्ष्म आवेश को, सूक्ष्म आवेश डी क्यू डैश को अनंत से चालक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर होता है विभव इंटू, विभव के बाद इंटू आवेश। कितना विभव? सर बी डैश। कितना आवेश? डी क्यू। तो यहां पर हमने बी डैश की वैल्यू लगा दी तो आया क्यू डैश अपॉन सी और डी क्यू। संपूर्ण संपूर्ण कार्य जब हम निकालेंगे तो होगा W बराबर इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू। क्यू आवेश को लाने में संपूर्ण कार्य, तो जिस समय लाए तो उस समय जीरो, और लिमिट कहाँ से? क्यू तक है। तो ये आ जाएगा हमारा क्यू डैश अपॉन सी डी क्यू डैश, डी क्यू डैश, लिमिट जीरो से क्यू। वन अपॉन सी को वहाँ ले लेंगे हम, और यहाँ पर क्यू डैश का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्यू डैश स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा। कितना हो जाएगा? क्यू डैश अपॉन टू, ये वन अपॉन सी, और ये लिमिट लगाएंगे जीरो से क्यू, तो ये आ जाएगा हमारा वन अपॉन टू सी, अपर लिमिट क्यू स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट जीरो, यानी एक बटे दो क्यू स्क्वायर अपॉन सी आएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन सी आएगा। क्लियर हुआ? इसके बाद हम देखते हैं जो क्यू होता है, क्यू बराबर क्या है? क्यू बराबर
सी बी होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम किया गया जो कार्य है, जो हमने कार्य किया है, ये कार्य किस में परिवर्तित हो जाएगा, कार्य डब्लू परिवर्तित होगा स्थितिज ऊर्जा यू में। तो जो हमारा आएगा यू बराबर एक बटे दो, और क्यू की जगह पर हम लगाएंगे सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी, एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो स्थितिज ऊर्जा आएगी वो आएगी एक बटे दो सी बी स्क्वायर। यही है किसी चालक को आवेशित करने में जितनी ऊर्जा संचित होती है, कितना आया यू बराबर एक बटे दो सी बी स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से हमारे वीडियो को आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।